एवरी वन वेलकम टू माई चैनल देखिए आज मैं आपके लिए जो तोरण लेके आई हूँ ना वो मैंने ना दो तीन कलर हैं जिनसे बनाई है लेकिन क्या है कि इसी एक पूरी ही तोरण को आप है ना एक साथ लगा सकते हैं इसमें कुछ अलग अलग नहीं बनाना है इसमें सब एक साथ बनाएंगे और इतनी आसान है ना कि आप है ना अगर बैठेंगे तो सिर्फ है ना आधे घंटे से भी कम टाइम में है ना आप ये पूरी तोरण अपनी बना लेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो उससे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आए तो आप लाइक भी कर देना चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम क्या करना है देखिए इस तरह से ना इसमें नॉट लगा लेंगे ये देखिए ये नॉट लगा ली नॉट लगाने के बाद एक दो तीन चार पाँच तो ये हम इसमें ना पांच चैन ले लेंगे और जो ये हमारी ये आ, ये देखिए एक दो तीन चार चार चैन छोड़ के पाँचवी वाली जो ये लास्ट वाली चैन है इसी में डाल के हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये दो और एक हमारी चैन हो गई तो इसमें टोटल तीन डबल क्रोशिया हो गए हैं फिर हम इसमें दो चैन लेंगे और इसी में डाल के हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया फिर इसी वाली में डाल के दो डबल क्रोशिया और फिर से इसी में डाल के तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे तो पहले हमने ये है एक चैन जो हमने डबल क्रोशिया ही गिनी और दो डबल क्रोशिया बनाई फिर दो चैन और फिर तीन डबल क्रोशिया अब हम यहाँ पे एक दो तीन चार चार चैन ले, ले लेंगे और इसे पलट लेंगे और देखिए जो ये हमने दो चैन ली थी इसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया दो और ये तीन तीन डबल क्रोशिया बना लिए फिर दो चैन लेंगे और फिर से यहीं पे डाल के हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से ये देखिए फिर से हम इसे पलटेंगे और यहाँ पे एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और ये देखिए ये जो हमने दो चैन ली थी इनमें डाल के हम फिर से तीन डबल क्रोशिया दो चैन और तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये बना के दिखाती हूँ तो ये देखिए ये हमने बना ली फिर से हम यहाँ पे एक दो तीन चार चार चैन लेंगे पलट लेंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया दो चैन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये है ना आसान ऐसे ही हम है ना इसे जितना भी लंबी हमें बनानी है उतनी हम बना लेंगे तो ये बना के फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए ये हमने ना इसे पूरे में जितनी हमें लंबी बनानी थी तोरण उतनी हमने सेम तरीके से बना ली है देखिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ ये देखिए इसमें चार चैन लेंगे पहले चार फिर से पलटेंगे और ये जो दो चैन है इस पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया दो और ये तीन फिर दो चैन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डाल के हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बना देंगे ये देखिए फिर चार चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे ही तो ऐसे ही बना के हम इसे इतनी लंबी जितनी आप है ना अपने उससे नाप लीजिए उतनी लंबी से बना ली और ये देखिए जैसे ये हमारे एक सेकेंड यहाँ तक है ना पूरी हो गई है तो अब हम इसे यहाँ पे डाल के ऐसे ही इसे निकाल देंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो इसे हम अब यहीं पे छोड़ देंगे अब हम यहाँ से है ना दोबारा से देखिए जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना वहीं पे डाल के हम ये दूसरा कलर लेके ये देखिए ये हम दूसरा कलर लेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे ज्वाइंट करने से पहले हमें क्या करना है ये देखिए इस तरह से इसमें ना नॉट लगा लेंगे नॉट लगाने के बाद देखिए जहाँ से हमने ये शुरू किया था ये रहा यहीं पे डाल के हम इसे जॉइंट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया फिर एक दो दो हमें इसमें ना चेन बनानी है और यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन लेंगे ये देखिए, ये पांच चेन लेंगे और एक सेकेंड एक मैं इसे निकालती हूं अभी तो ये देखिए हमने वो निकाल देखिए, इस तरह से है ना इसमें हमें ना एक दो तीन चैन लेंगे और ये अगली वाली जो ये चेन है ना जहां पे हमने ये शुरू किया था उसमें डाल के हम इसे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेंगे और ये देखिए जो ये अगली आपको चैन दिख रही है ना यहाँ पे जहाँ पे हम ऊपर ले जाने के लिए करते हैं जब आप इसे ऐसे पकड़ेंगे ना तो आपको ये चैन अलग से नजर आएंगे देखिए ये भी दे। तो ये यहाँ पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है फिर एक दो तीन चार पाँच फिर से पांच चैन लेंगे और अगले वाली जो ये चैन है यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए इस तरह से फिर हमें क्या करना है देखिए इसे वापस से यहाँ पे दो तीन चार पाँच पांच चैन लेनी है और इसे पलट के ये देखिए यहाँ पे ना जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था देखिए ये वाला इसके ऊपर पीछे की साइड लाके एक सिंपल क्रोशिया बनाना है ये देखिए इस तरह से फिर से हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन लेंगे और जो हमने ये वाली ये देखिए ये बनाई थी ना चैन इसमें डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे यहाँ ज्वाइंट कर देंगे देखिए बारह चैन बना के फिर से बारह चैन बनाएंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन बना के और फिर से यहीं पे डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया बना लेंगे तो ये दो बार चैन बन गई ऐसे ही बारह बारह चैन की हमें दो चैन और बनानी है तो ये दो और बना के फिर दिखाती हूँ देखिए हमने बारह बारह चैन की ये चार बार बना लिए हैं ये देखिए चार बार बन गई अब हम यहाँ पे फिर से चैन लेना शुरू करेंगे तीन चार पाँच छ सात अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो हमने पहले बारह चैन दी थी अब हमने ना चौबीस चैन दी है और चौबीस चैन लेके हमने ये सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ दिया है ये देखिए तो चार बार हमारी ये बारह बारह चैन है और एक बार हमने ना ये पांचवी वाली में चौबीस चैन ली है ठीक है इसे करने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेंगे और जो ये हमारी अगली वाली चैन है ये वाली इसमें डाल के हम इसे ज्वाइंट कर देंगे ये देखिए इस तरह से अब हम फिर से यहाँ पे पांच चैन लेंगे और हाँ मैं आपको ये बता दूं अगर आपकी ये वाली दूरी है ना पांच चैन से कवर नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे ना छह ले सकते हैं जैसे इस बार ये मैं आपको सिर्फ लेन के दिखाने के लिए कह रही हूं देखिए छह चैन बनाई और सॉरी देखिए ये मैंने यहाँ पे ना गलत कर दिया यहाँ पे हमें छे ये पांच चैन बनाने के बाद है ना यहां पे डबल क्रोशिया बनाना था ये डबल क्रोशिया हो गया फिर से पांच चैन लेंगे और आपको ये यहां पे ना झूल नजर आ रहा है कि मतलब ये सही से ये दूरी नहीं आ रही है तो आप यहां पे ना छह चैन ले लीजिए छह चैन लेके तब हम आप डबल क्रोशिया बना लीजिए इस तरह ठीक है तो जैसे ये हमने क्या है ना अभी तीन आगे तो ये देखिए हमने ये मैंने ये पांच बनाई थी ये छह मैंने सिर्फ आपको दिखाई थी फिर मैंने पांच ही कर दी थी तो ये पांच चैन बना के एक डबल क्रोशिया बनाया फिर पांच चैन बनाई फिर एक डबल क्रोशिया और फिर पांच चैन बना के एक डबल क्रोशिया अब हम फिर से यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे और जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंपल क्रोशिया हम इस तरह से बना देंगे और फिर से ये पलट लेंगे अब हम यहाँ पे है ना तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो हम सबसे पहले चौबीस चैन लेंगे और चौबीस चैन लेके हम यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे फिर हम यहाँ पे ना बारह चैन लेंगे इन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन लेने के बाद फिर से यहीं पे डालेंगे और इसे ज्वाइंट कर देंगे तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे ना लास्ट में चौबीस बनाई थी और पहले हमने ये चार बार है ना बारह बारह की बना ली थी ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे पहले हम चौबीस बनाएंगे और फिर हम हाँ है ना चार चार की चार चैन बनाएंगे बारह बारह की चैन इस तरह से जैसे ये ये बनाई थी ना शुरू में हमने एक दो तीन चार तो ये बारह बारह की चार बार हमने ये बनाई थी तो ऐसे ही अब हम बारह बारह की चार बना लेंगे एक हमने बना ली है तीन और बनाएंगे और जो ये चौबीस वाली थी वो हमने इस बार शुरू में ही बनाई है ठीक है क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ इन दोनों को इस तरह से करना था तो इसलिए अब हम ना तीन और बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए हमने ये चार बना ली है एक दो तीन और चार तो ये हमने चार बना ली हैं उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे फिर से ना पांच चैन बनाएंगे और ये जो अगले वाली चैन है यहाँ पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से पांच चैन लेंगे और अगले वाले में ये जो चैन दिख रही है इसमें डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर से पांच चैन लेंगे और अगली वाली चैन पे डाल के हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए तो ये हमारी तीन बार हो गई जैसे हमने यहाँ पे तीन बार ली थी देखिए यहाँ पे तीन बार ली थी मैं ये भी तीन हो गई अब हम फिर से यहाँ पे चार पाँच चैन लेके इसे देखिए ये डबल क्रोशिया जो है इस पे डाल के पीछे की साइड हम सिंपल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे हम पहले चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस बार हम पहले बारह चैन लेंगे और बारह चैन लेके हम इसे यहाँ पे सिंपली जोड़ देंगे फिर से बारह चैन लेंगे फिर इसे सिंपली जोड़ देंगे तो ये मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ इस तरह से होगा तो जैसे हमने ये वाला बनाया है ना ये वाला ऐसे ही हम ये वाला बनाएंगे सेम फिर उससे जो आगे वाला है आगे जो हम डिज़ाइन बनाएंगे इसके आगे यहाँ पे वो हम इसकी तरह बनाएंगे जिसमें हम शुरू में ये चौबीस चैन लेंगे एक बार हमें ना बाद में चौबीस चैन वाला बनाना है और एक में हमें शुरू में चौबीस चैन वाला बनाना है ये बात आप बहुत ध्यान से रखना ध्यान से समझना कि हमें ये किस तरह से करना है तो देखिए एक बार हमने ना ये पहले चार चार की है ना बारह 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 की हमने ये चार बार चैन बना ली है ये वाली फिर हमने चौबीस की बनाई है फिर उससे अगले वाले में हमने है ना पहले चौबीस की बनाई है फिर हमने चार बार ये बारह बारह की बनाई है तो इसमें हम पहले चार बार बारह की बनाएंगे और फिर चौबीस की बनाएंगे तो एक बार ऐसे बनाना है और एक बार हमें ऐसे बनाना है तो इसी तरह से है ना ये हमारी पूरी की पूरी दो रन करनी है और पूरी करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये देखिए मैंने ये बना लिया है पूरे पे डिजाइन देखिए ये हमने एक जो ये चौबीस वाली चैन थी ये एक हमने ये इधर बनाई फिर ये एक इधर वाली शुरू में बनाई तो ये बन गई फिर इस अगले वाले में हमने एक इधर बनाई एक इधर बनाई ठीक है तो ये दो हो गए ऐसे ही इससे आगे वाले में भी हमने दो बनाई और फिर इससे आगे वाले में भी इसी तरह से बनाई तो ये आपको ध्यान रखनी है कि एक जो हमारा ये डिज़ाइन है उसमें ना 24 वाली जो चैन है वो लास्ट में बनानी है और उससे आगे वाले में शुरू में बनानी है और हाँ इसे जोड़े में ही बनाना है तो आप है ना इसकी लंबाई और वगैरह ये सब इतने ध्यान से रखना कि इसे है ना दो में ही बनाएंगे क्योंकि हम इसके बीच में यहाँ पे फूल बनाएंगे तो ये देखिए हमने ना चार बार ये बारह बारह की चैन बना ली है और यहाँ पे हमने सिंपल क्रोशिया बना दिया अब हम इसे लास्ट करने के लिए क्या करेंगे देखिए इस तरह से फिर से पांच चैन ले लेंगे ये तीन हो गई चार पाँच और ये जो ये बीच में जगह है यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और ज्वाइंट करके यहीं पे इसे कट कर देंगे तो अब हमें क्या करना है वो आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए तो देखिए जैसे ये हमारी चेन है देखिए ये चार हमारी चैन ये थी और ये हमारी पांचवी वाली जो थी ये चौबीस चैन की थी तो इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे देखिए इस तरह से और इसमें ना हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए तो ये देखिए हमने ये दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे हम देखिए एक के ऊपर नीचे इस तरह से रख के और इनके बीच में डाल के देखिए ये दूसरा कलर लेंगे इसमें पहले नॉट लगा लेंगे और इसके बीच में इस तरह से डाल के हम यहाँ पे ऐसे इसे जॉइंट कर लेंगे ठीक है ये वाला हम धागे को बाद में कट कर देंगे ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पे एक दो तीन तीन चैन लेंगे और यहीं पे डाल के हम ये देखिए एक डबल क्रोशिया फिर इसी के बीच में हम डालेंगे दो डबल क्रोशिया फिर इसी के बीच में डालेंगे तीन डबल क्रोशिया और फिर से इसी के बीच में डाल के ये हमने सॉरी तीन ही डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे उसके बाद में एक दो तीन चार सॉरी तीन तीन चैन लेंगे और इसी में डाल के यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा देखिए ये बन गया ना इस तरह का ये हमारा बन गया अब हम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चैन लेंगे और ये देखिए इस तरह से इसे पलट लेंगे और इसे जो हम चैन को लेंगे देखिए इधर साइड लाके ये देखिए इधर साइड है ना दस एक और ले लेते हैं हम इसमें दो ये बारह बारह चेन हमने ले ली क्योंकि हम जब ऐसे लगा के देखेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा और इधर साइड लाके हम सिंपल क्रोशिया सही से, से ज्वाइंट कर देंगे तो ये देखिए हमने ज्वाइंट कर दिया अब हमें क्या करना है ये जो हमने चैन बनाई है ना इसी के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है तो पहले हम तीन चैन ले, ले लेंगे और यहां पे डाल के एक डबल क्रोशिया ये दो और ये तीन तीन डबल क्रोशिया बना लिए और फिर एक दो और ये तीन तीन चैन बना लेंगे और यहीं पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे तो ये देखिए हमारी एक पट्टी बन गई है देखिए इस तरह से दिख रही है ना आपको फिर हम यहाँ पे ना तीन चैन लेंगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए एक दो ये तीन तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गए और तीन डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए तीन चैन बनाई और ये यहीं पे डाल के हमने इसे इस तरह से जॉइंट कर दिया सिंपल क्रोशिया से तो ये हमारे दो बन गई है और इसे ना थोड़ा सा इधर ऐसे खींच लेंगे जैसे पास पास में कर देते ना वैसे तो ये एक हो गई ये दो ऐसे ही हम यहाँ पे ना पांच बनाएंगे देखिए फिर से तीन चैन लेंगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर तीन चैन लेके हम इसे नीचे ज्वाइन कर देंगे तो जैसे हमने ये दो पत्तियाँ बनाई है ना ऐसे इसी चैन में डाल के हम देखिए एक दो ये तीसरी बना रही है चौथी और पांचवीं तो पांच हम इसमें पत्तियां बना लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए मैंने इसमें एक दो तीन चार पाँच पांच हमने ये पत्ती बना ली है अब हम क्या करेंगे लास्ट में ये एक दो तीन तीन चैन बना के और ये यहीं पे डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से ये देखिए जॉइंट कर देंगे और अब हम इसे ना यहीं पे नॉट लगा के कट कर देंगे तो ये देखिए हमारा फूल बन के तैयार हो गया है पता नहीं ये इसमें ना किस तरह का लग रहा होगा लेकिन ये देखिए इस तरह से है ना ये बन के पूरा तैयार हो गया है और हाँ देखिए आप इसे देखेंगे ना है ना ये आसान बिल्कुल आसानी से बन गया और कितना आ, देर भी नहीं लगी है बहुत ही कम टाइम में बन गया है तो ये देखिए जैसे हमने ये बना लिया अब हम अगली वाली चैन पे जाएंगे देखिए इन दोनों को पकड़ के और यहाँ पे हम है ना फूल बनाएंगे ठीक है जैसे हमने ये बनाया है ना सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है तो आप इसमें ना चाहे तो है ना दूसरा कलर यूज कर सकते हैं जैसे हमने इसमें पिंक किया है तो आप रेड या कोई भी कलर यूज कर लीजिए तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा लंबा करके ना ये धागा यहीं पे कट कर दिया अब देखिए हम इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे ये देखिए इस तरह से जो हमारी इधर वाली ये चेन है ना बड़ी चेन दोनों इन्हें पकड़ेंगे और मैंने इसमें ना देखिए दूसरा कलर लगाया है क्योंकि मैं इसमें ना मल्टी कलर के ना फूल लगाने वाली हूँ आप चाहे तो एक कलर में लगा सकते हैं अगर आपको मतलब दूसरे तीसरे कलर में नहीं लगाना है तो तो ये देखिए इस तरह से तीन चैन ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये तीन बन गई फिर से तीन चैन लेंगे और ये यहीं पे डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे तो ये एक पत्ती बन गई अब हम इसमें बारह चैन लेंगे ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन लेके देखिए इधर साइड कोने में ही जहाँ से हमने ये शुरू किया था वहाँ पे डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे ज्वाइंट करने के बाद देखिए ये चैन हमारी ऐसे हो गई अब हम यहाँ पे फिर से वही पत्ती बनाएंगे देखिए पहले तीन चैन तीन डबल क्रोशिया फिर तीन चेन, और ये यहीं पे डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे तो ये देखिए हमारी पत्ती बन जाएगी तो ऐसे ही पांच पत्ती बना के हम इसमें पूरे को ज्वाइन कर लेंगे तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ और देखिए हमें इस फूल में और क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ तो ये देखिए जो हमने ना थोड़ा लंबा धागा छोड़ा था ना ये फूल को काटने में इसके बीच में हम क्या करेंगे देखिए ये कोई भी मोती जो मेरे पास रखे हुए थे मैं वो यूज़ कर रही हूँ आपके पास कुछ और रखे हुए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं तो ये मोती इसमें डाल के ये दूसरी तरफ से निकाल के और देखिए इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे ये देखिए देखिए इसका लुक बदल गया ना एकदम और भी अच्छा सा लगने लगा ना तो ये मोती इसमें डाल के पीछे है ना हम इसमें नॉट लगा देंगे देखिए इस तरह से और ये देखिए हमारा फूल बन के पूरा अब रेडी हो गया है ये ये देखिए और ये वाले धागे को हम कट कर देंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा तो ये इसी तरह से बना के फिर है ना पूरा का पूरी बना के फिर मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये देखिए मेरी है ना पूरी की पूरी है ना मैंने ये फूल बना के ये तोरण बना के तैयार कर ली है तो ये देखिए आपको कैसी लग रही है मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना और ये देखिए मैंने ये जैसे अलग अलग कलर के फूल बनाए हैं ना आप एक कलर के बना लीजिए लेकिन ये जब मैंने अपने मंदिर के ऊपर लगाई ना तो ये इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ही सुंदर तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं और बहुत सारे कलर से भी बना सकते हैं तो आपको ये कैसी लगी है मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर ये देखिए सच में ये बहुत प्यारी लगी है मैं आपको थोड़ा यह दूरी से दिखा रही हूँ जिससे आपको ये ना अच्छे से समझ आ सके कि यह है ना किस तरह से लग रही है ये देखिए इससे आसान तोरण तो शायद ही आपको कहीं मिलेगी क्योंकि ये है ना बिल्कुल आसान सी है और आपको है ना बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको कुछ अलग और नया बनाना सिखाऊंगी इसी तरह से तो बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंजॉय दिस वीडियो